हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करंजी रेसिपी। तो ये महाराष्ट्रियन करंजी रेसिपी है, गुजिया रेसिपी। तो ये मैंने सूखा नारियल लिया है और इसे कद्दूकस करके लिया है। तो ये रेडीमेड ही मुझे ऐसे ही कद्दूकस किया हुआ नारियल मिला है। ऐसे अगर ना हो तो आप जो सूखा नारियल की जो कटोरी होती है उसे आप कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो ये मैंने 200 ग्राम ये नारियल लिया है और 250 ग्राम ये पाउडर शक्कर ली है और ये काजू बादाम और थोड़ी सी चिरौंजी ली है, थोड़े से किशमिश और 2 चम्मच मैंने ये खसखस ली है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर और ये सूजी लिया है, बारीक रवा लिया है। तो सूजी हमें ये मैंने 4 चम्मच लिया है। तो सबसे पहले तो हमें करंजी की फिलिंग तैयार करनी है, तो उसके लिए अभी मैंने कढ़ाई को गर्म करके लिया है और इसमें मैंने ये खसखस डाल दी है। तो खसखस अभी हमें कम आँच पे इसे हमें भून लेना है। तो खसखस जो है वो भून के ही आपको डालनी है और ये खसखस भूनने के बाद इसे आपको कूट के लेना है, या तो मिक्सी में थोड़ा सा इसको दरदरा सा पीस लीजिए। इसको हमें बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं चाहिए हमें खसखस का, इसे थोड़ा दरदरा ही पीस के लेना है, या तो आप इसको कूट के भी ले सकते हैं। तो आधा आधा चम्मच मैंने इसमें अभी घी डाल दिया है और ये हमने जो काजू बादाम और जो चिरौंजी ली थी उसे भी हमें घी में थोड़ा सा भून लेना है। इससे हमारी करंजी का करंजी जो है वो बहुत दिनों के लिए रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो जो भी हम लेने वाले हैं वो सारा हम इसमें भून के ही डालने वाले हैं, तो इससे करंजी ज़्यादा दिन के लिए रहती है। तो अभी मैंने ये काजू बादाम अच्छे से भून लिए, उसके बाद मैंने थोड़े से ये किशमिश हमने जो लिए थे वो भी इसमें डाल के मैं थोड़ा भून लिया है। तो इससे हमारे काजू बादाम और चिरौंजी है वो भी थोड़ी क्रंची हो जाती है भून के डालने से। तो ये मैंने कम आँच पे इसे भून लिया और इसे मैंने अभी निकाल लिया है और ये मैंने 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है और हमने जो सूजी ली थी तो उसे भी हमें भून के लेना है। और सूजी जो है वो मैंने 4 चम्मच ली है, तो सूजी बारीक सूजी का ही आपको इस्तेमाल करना है, बड़ी वाली जो मोटी वाली सूजी होती है उसे मत लेना। तो उसे डालने से जो करंजी जो है वो उसमें बहुत कचकच ऐसे खाने में लगती है, तो बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। तो बस अभी सूजी भी हम कम आँच पे इसे भून लेंगे, इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है। तो सूजी मैंने भून के निकाल ली है और मैंने अभी इसमें घी डाल दिया है 1 चम्मच और हमने जो सूखा नारियल लिया था उसे भी हमें भून लेना है। और गैस का फ्लेम जो है वो मैंने कम ही रखा है, कम आँच पे हमने सारी चीज़ें जो जो भी लिया था वो मैंने सारा कम आँच पे ही भून के लिया है। तो नारियल अभी नारियल हमें भून के लेना है, पर नारियल को बहुत ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, थोड़ा सा हल्का सा हमें इसे भूनना है। तो देखिए ये मैंने जो नारियल लिया था वो मुझे कद्दूकस करके ही ये नारियल मुझे मिला था। तो ऐसे अगर आपके पास नारियल ना हो तो आप इसको घर में जो नारियल की जो कटोरी होती है सूखे नारियल की उसे आप कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो ये हमने जो भी चीज़ें सब भून के ली थी उसे हमें पूरा ठंडा करके लेना है और ठंडा होने के बाद ही हम इसमें पाउडर शक्कर मिलाएंगे। तो अभी देखिए ये पूरा ठंडा होने के बाद मैंने अभी इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डाला है और ये खसखस हमने जो ली थी उसे मैंने कूट लिया है। तो कूट के ही खसखस को आपको डालना है, बहुत ही अच्छा इसका स्वाद होता है, तो इसे साबुत नहीं डालना है। तो अभी खसखस मैंने ये डाल दी है और ये पाउडर शक्कर ली है। तो 200 ग्राम नारियल के लिए 250 ग्राम मैंने ये पाउडर शक्कर इसमें डाली है और बस अभी ये शक्कर हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। और जो हमने नारियल भून के लिया था उसे हमें पूरा ठंडा करके लेना है, उसके बाद ही इसमें पाउडर शक्कर डालनी है आपको। तो अभी मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, 1 पिंच मैंने नमक डाला है। तो बस अभी ये पाउडर शक्कर हम अच्छे से मिला देंगे और हमारी जो करंजी की जो फिलिंग है वो अभी बन के तैयार हो चुकी है। तो अभी हम आटा लगा देते हैं।
तो अभी मैंने ये आधा किलो मैदा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है। और ये घी मैंने गरम करके लिया है, तो हमें मोहिनी अभी इस मैदे में डालना है। तो घी को अच्छे से गरम करके ही लेना है, इसे ठंडा नहीं डालना है। तो अभी 4 चम्मच मैंने इसमें मोहिनी डाल दिया है, और जो करंजी का जो डो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मोहिनी नहीं डालना है, वरना ये मोहिनी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगा तो करंजी बहुत ज़्यादा खस्ती हो जाती है, और करंजी हम जब रखते हैं डिब्बे में भर के तो वो टूट जाती है, वो साबुत नहीं रहती, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा खस्ता भी नहीं करना है। तो मोहिनी डाल के अभी मैंने ये घी जो है वो मैदे में अच्छे से लगा दिया है, और तुरंत आपको घी डालने के बाद तुरंत इसमें पानी डाल के इसका हमें डो नहीं करके लेना है, इसको इसमें अच्छे से आपको घी हाथों से मसल के लगा देना है, उसके बाद ही इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो बना लेंगे। तो 4 चम्मच मैंने मोहिनी इसमें डाला था, घी को डाला था। तो देखिए अभी ये हम इसका थोड़ा थोड़ा सा पानी मिला के इसका हमें डो बना लेना है, और डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए डो हमें करंजी के लिए। तो बस अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका डो बना लेते हैं। और 200 ग्राम मैंने सूखा नारियल लिया था, तो उसके लिए मैंने ये 1/2 kg मैदा लिया है। तो बस अभी ये डो मैं बना देती हूँ। और मोहिन का जो मैंने आपको बताया है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है फिर गुजिया। तो बस अभी डो बना के इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के मैंने रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। अभी ये डो हमारा सेट हो चुका है, तो हम करंजी बना लेते हैं। तो बस अभी इस डो में से हम छोटे छोटे गोले बना देंगे, और ये गुजिया आप बना के देखिए, बहुत ही अच्छी बनती है, स्वाद में भी बहुत ही बढ़िया लगती है और खस्ता भी बनती है। तो अभी ये मैंने गोले मैंने बना दिए हैं, और बस अभी इसके हम छोटी छोटी पूरियां हम बेल देंगे, और पूरियां जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं चाहिए, इसे थोड़ा सा हम मीडियम ही रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा पतला हम बेलेंगे इस पुरिया को तो ये पूरी जब हम करंजी बनाते हैं और उसको तलते हैं तो वो जल्दी से वो रेड होने लगती है, मतलब लाल होने लगती है, और इसे बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेगी फिर। तो बस अभी इसमें सूखा मैदा लगा के इसकी मैं पूरी बेल देती हूँ, और पूरी बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, पतला ही इसे बेलना है, पर बहुत ज़्यादा भी पतला, पापड़ के जैसे पतला नहीं बेलना है, जैसे पापड़ हम पतले पतले बेलते हैं उस तरह से नहीं होने चाहिए। तो देखिए अभी ये मैंने पूरी तो बेल दी है, तो ऐसे ही मैं 2 से 3 पूरियां बना देती हूँ। तो मैं 2 तरीके से आपको गुजिया बना के दिखा रही हूँ, एक जो है वो मोल्ड में हम बनाएंगे और दूसरी जो है वो हाथों से बना देंगे, मतलब किसी के पास अगर ये साँचा ना हो तो वो हाथों से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए अभी ये मोल्ड के ऊपर ये मैंने पूरी रख दी है, और इसमें जो जगह होती है वो हम पहले बना लेते हैं। तो देखिए ये मैंने इस तरह से ये इसमें जगह बना दी है, तो हमने जो फिलिंग बना के रखी थी वो अभी इसमें हम डाल देंगे। तो ये मोल्ड आपको आसानी से मिल जाएंगे, प्लास्टिक के भी होते हैं और ये मेटल के भी मिल जाते हैं। तो देखिए अभी ये हम इसमें फिलिंग भर देंगे, और जो किनारे जो होते हैं वो उसे हमें साफ ही रखना है, किनारों पे ये फिलिंग जो है वो नहीं आनी चाहिए।
अगर ये आ जाएगी तो हमारी करंजी जो है वो ठीक से बंद नहीं हो पाएगी, और जब हम ऑयल में डालते हैं तब ये खुल जाती है और ऑयल में ये पूरा जो फिलिंग जो है वो पूरा फैल जाएगा फिर। तो अभी किनारों पे मैंने ये पूरा साफ़ करके रखा है और उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा पानी लगा दिया किनारों पे और इसे मैंने बंद कर लिया है। और बस अभी ये साँचा भी मैंने बंद कर दिया और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो देखिए अभी ये इस तरह से मैंने पूरा ये प्रेस करके लिया और उसका जो एक्स्ट्रा जो आटा होता है उसे हमें निकाल लेना है, और इसे बहुत ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हाथों से ही प्रेस करना है। इसमें हमने पानी लगा दिया था अंदर से भी, तो ये अच्छे से ये चिपक जाती है। तो बस अभी इसे मैंने निकाल लिया और बहुत ही फटाफट ये करंजी बनती है। अगर साँचा आपके पास हो तो ये बहुत ही फटाफट बन जाएगी, और साँचा ना हो तो तब भी आप इसे हाथों से भी बना सकते हैं। तो एक मैंने अभी ये मोल्ड में बना ली करंजी, और ये दूसरी जो है वो अभी हम हाथों से बना लेंगे। तो अभी इस पूरी के ऊपर हम ये फिलिंग जो हमने बनाई थी वो हम रख देंगे, और ये नारियल का फिलिंग जो होता है उसे बहुत ज़्यादा भी कम नहीं डालना है, वरना हम जब गुजिया तलते हैं तो वो कम हो जाती है अंदर से, और फिर गुजिया हमारी अंदर से ऐसे भरी हुई नहीं दिखती है, तो खाली खाली ही आपको गुजिया मिलेगी। इसीलिए इसमें जो फिलिंग होती है उसको आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो अभी मैंने 2 चम्मच मैंने इसमें ये फिलिंग डाल दी है, उसके बाद इसे मैंने बंद कर लिया और हाथों से देखे इस तरह से इसको हमें पूरा बंद करके इसको प्रेस करके लेना है। तो मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको ये करके लेना है, और ये किनारे जो होते हैं उसे हमें अच्छे से प्रेस करके लेना है, या तो आप थोड़ा सा पानी लगा के भी आप इसको बंद कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से बंद कर लिया, उसके बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा जो आटा होता है उसे हम निकाल लेंगे। तो ये चम्मच आप देख सकते हैं, इसमें ये जो चक्री है वो ये करंजी का ही चम्मच है, ऐसा चम्मच आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये एक्स्ट्रा आटा मैंने निकाल लिया, या तो आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं या तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये मैंने कांटे का चम्मच लिया है, इससे आप थोड़ा सा इस किनारों पे देखिए इस तरह से ये प्रेस करके इस पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा दिखता है ये। तो देखिए ये काट के भी आप सिंपल भी रख सकते हैं या तो थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये भी करंजी हमने देखिए कितनी फटाफट बना ली है। तो जिसके पास अगर साँचा ना हो तो इस तरह से हाथों से भी आप इस करंजी को बना सकते हैं। तो सारी करंजी अब मैं बना के लेती हूँ और उसके बाद हम इसको तलने वाले हैं। तो देखिए अभी ऑयल हम पहले देख लेते हैं ये गरम हुआ है या नहीं। तो हल्का सा मैंने ऑयल को गरम करके लिया है, इसे बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं करके लेना है वरना गुजिया के ऊपर बबल्स आने लगते हैं, इसे बहुत ज़्यादा और गरम ऑयल में हम जब डालते हैं तब। तो बस हल्का सा ऑयल मैंने गरम करके लिया, उसके बाद मैंने ये गुजिया डाल दी है और बस अभी लो टू मीडियम हीट पर हमें इसे तल के लेना है, और इसे हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, बस लो टू मीडियम हीट पे ही तलना है, इससे हमारी गुजिया जो है वो खस्ता बनती है। और हाई फ्लेम पे अगर आप तलेंगे तो ये बहुत जल्दी ब्राउन होने लगती है और ये खस्ता नहीं बनती है, तो इसीलिए आपको इसे लो टू मीडियम हीट पे इसे तल के लेना है। तो आपको जैसे भी गुजिया चाहिए हो, मैंने थोड़ा सा इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तला है ताकि ये बहुत ही अच्छी खस्ता बने इसलिए, और आपको हल्का सा इसका रंग थोड़ा सा लाइट चाहिए तो वैसे भी आप इसको तल सकते हैं। तो देखिए अभी ये मैंने गुजिया मैंने ये तल दी है और बहुत ही अच्छी खस्ता बनी है ये गुजिया। तो बस अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ और सारी गुजिया तलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारी ये गुजिया कैसी बनी है। और शक्कर जो है वो जितना नारियल होता है उतनी शक्कर डालिए, पर थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए मैंने ये 200 ग्राम नारियल के लिए मैंने 250 ग्राम शक्कर पाउडर डाली थी, या तो आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से भी आप शक्कर डाल सकते हैं।
तो अभी सारी गुजिया हम तल लेंगे और उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये सारी गुजिया मैंने बना ली और ये 35 गुजिया बनी है। हमने 200 ग्राम नारियल लिया था उसमें, तो बहुत ही अच्छी खस्ता हमारी ये गुजिया बनी है। तो इससे आप 15 से 20 दिन के लिए आराम से डिब्बे में भर के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी, 15 से 20 दिन के लिए अच्छी रहेगी। तो इसे बना के देखिए।